तो लगता है जैसे बारिश हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित रीवा जिले के पास अद्भुत वाटरफॉल जिसका नाम है पूर्वा फॉल। जैसा कि आप जानते हैं, रीवा जिला किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश के रीवा में ही पाया गया था। और रीवा जिला इसलिए भी फेमस माना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल रीवा में ही है। रीवा में देखा जाए तो टोटल 6 से 7 वाटरफॉल हैं। तो चलिए हम आपको उनमें से एक वाटरफॉल में ले चलते हैं जिसका नाम है पूर्वा फॉल। अभी हम आ गए हैं पूर्वा फॉल के थोड़ा से पहले हैं, नया पुल से दिखाते हैं आपको। व्यू यहाँ का बहुत ही शानदार है। और ये जो पानी जा रहा है ना, ये पानी आगे चल के राउंड होके वहाँ आगे वाटरफॉल है, वहाँ जाके गिरता है। तो चलिए हम आपको वहाँ भी दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स लोग हैं, इनको यही आता है। तो क्या है मेरी जान, फाइनली हम पहुंच गए हैं पूर्वा फॉल और हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वा फॉल में हमेशा ही लोगों का जमावड़ा बना रहता है, चाहे फैमिली हो या फिर बच्चे। पूर्वा फॉल हमेशा ही लोगों की पहली पसंद बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड भी आता है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पूर्वा फॉल के पास। और यहीं पास में पूर्वा फॉल का रेस्ट हाउस है, ये रहा रेस्ट हाउस। तो आप चाहें तो पार्किंग यहाँ भी कर सकते हैं या फिर मेन रोड में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलिए चलते हैं डायरेक्ट पूर्वा फॉल के पास। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम इंटर कर चुके हैं पूर्वा फॉल के बाउंडेशन के अंदर और जा रहे हैं पूर्वा फॉल की ओर। और ये दूर से पूर्वा फॉल दिख रहा है कुछ भाप सा उड़ता हुआ, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो चलिए और पास से देखते हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, ये फुटपाथ जो बना हुआ है ये अब पहले नहीं था यहाँ पर, और ये रीवा गवर्नमेंट द्वारा अभी बनाया गया है। और इसके अलावा जो वो सिटिंग एरिया बनाया गया है, वो भी सिटिंग एरिया पहले वहाँ पास नहीं था, ये सब अभी इनॉग्रेट किया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। एमपी टूरिज्म को और भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों को, चूँकि यही सब अपने राज्य को और अपने ज़िले को आगे बढ़ाता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पूर्वा फॉल और यहाँ पे आप लोगों की उत्सुकता देखकर आप समझ सकते हैं, लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं फ़ोटो शूट कराने। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे लोग करा रहे हैं। और ये पूरा झरने की वजह से पानी पूरा उड़ता है, इस वजह से लगता है जैसे बारिश हो रही है, जबकि एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही है, ये झरने का ही पानी है। क्योंकि वाटरफॉल का जो ये फ्लो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से पानी पूरा उड़कर इधर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एक नज़ारा पूर्वा फॉल का। ये पूरा व्यू पॉइंट है, बहुत ही शानदार है। जब कभी भी आएँ ज़रूर आएँ, वो भी बरसात के सीज़न में, और भी बहुत ही शानदार दृश्य हो जाता है। ये पूरा पानी उड़ उड़ के आ रहा है भाई, बहुत ही शानदार लग रहा है। अरे भाई ओहो वाह। तो चलिए और पास से देखते हैं पूर्वा फॉल का एक्चुअल व्यू। आप देख रहे हैं जैसे ये पूरा पानी ये उड़ उड़ के आ रहा है, जो गिर रहा है ना ये पानी, ये फॉल का ही पानी गिर रहा है इधर। और बहुत ही शानदार नज़ारा, लोग अक्सर यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। और ये पूर्वा फॉल, जबकि अपना फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, फिर भी रिस्क लेके मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही शानदार नज़ारा,
ये जो पानी पूरा उठ रहा है ना, ये सिर्फ गिरने की वजह से पानी इतना ऊपर आ रहा है। बहुत ही शानदार व्यू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन थोड़ा ब्लर सी हो गई है क्योंकि स्क्रीन में पानी पड़ गया है। थोड़ा साफ करते हैं और आपको दिखाते हैं एक अद्भुत सा शॉट। इतना ही था, मिलते हैं हम आपको एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। एलर्टिंग फैमिली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब और बाय बाय।